हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। और ये मैं खेल रहा हूँ पबजी मोबाइल। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दो या तीन स्क्वाड को यहाँ पे वाइट करके दिखाने वाला हूँ और एक मज़ेदार यहाँ पे मैं गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये है मैच की लॉबी और हम इधर उधर दौड़ रहे हैं और कुछ देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो ये मैच खेल रहा हूँ वो सोलो वर्जन स्क्वाड खेल रहा हूँ। वैसे तो मैं पबजी पीसी खेलता हूँ और ये फर्स्ट टाइम है पबजी मोबाइल जो लाइट वर्जन अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च हुआ है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो माइक्रो मैक्स 106 एक मोबाइल है जिसके अंदर 1 GB की जितनी रैम आती है। और मैं रेंडमली उतर रहा हूँ, ऐसी कोई सिलेक्टेड जगह पे नहीं उतर रहा कि भाई मेरे को यहाँ उतरना है कि यहाँ उतरना है। बस देखते हैं भाई कैसा गेम है। और मेरा फर्स्ट गेम प्ले है और फर्स्ट गेम प्ले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जो पहले के जो गेम आते हैं आप लोगों को पता ही है, उसमें यार बोट वगैरह काफ़ी मिलते हैं तो वो सब मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद पिछले गेम में मेरे को कुछ रियल एनिमी मिले थे, आई मीन टू से रियल बंदे मिले थे, और इस गेम में भी लगता है मेरे को रियल स्क्वाड वगैरह मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर उतरा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड में एक प्लेयर उतरते हुए मैंने देखा है। और यहाँ पर मैं फटाफट वेपन कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लेवल 1 की एक कवर मिल गई, कवर किट मिल गई। और यहाँ पे मेरे को लेवल 1 का बैग, स्मोक, और मैं यहाँ पे सबसे पहले गन उठा लेता हूँ। गन मुझे मिली है AKM, और पता नहीं इसमें AKM का रिकॉइल कैसा है कैसा नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पबजी पीसी के अंदर इसका AKM का रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा है, पबजी पीसी लाइट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है और पबजी मोबाइल के अंदर भी कुछ कुछ रिकॉइल देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस लाइट का मुझे अभी तक नहीं पता है क्योंकि मैंने 3-4 मैच खेले हैं इसके पहले, लेकिन मैंने AKM यूज़ नहीं किया। तो चलिए मैं AKM यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ और इसका किस तरह का रिकॉइल है और मैं यहाँ पे कितने बंदे मार सकता हूँ। और बंदा दोस्तों मेरे नीचे है, मुझे यहाँ पे देख सकते हो फुटस्टेप आ रहे हैं। और ये देखिए ये दोस्तों, ये है यहाँ पर बंदा। और नहीं भाई, इसके अंदर भी रिकॉइल है और लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, हम रिकॉइल ईजिली कवर कर सकते हैं। विदाउट स्कोप मैंने इस बंदे को किल कर दिया और इस बंदे के पास अच्छी थोड़ी सी लूट मिल सकती है मेरे को। और मैं यहाँ से इस बंदे को किल करने के बाद देखते हैं इसके पास क्या लूट मिलती है हमें। तो यहाँ पे VSS है और मैं यहाँ पे VSS को चेंज कर लूँगा UMP9 के साथ। और मैं यहाँ पे इसकी बुलेट ले लेता हूँ। और दोस्तों, काफ़ी सारी बुलेट मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है UMP9 की। और मैं देखते हैं भाई UMP9 से कितने किलो पाते हैं। और हमारे पास अब कॉम्बिनेशन में एक AKM और एक UMP9। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं पबजी लाइट के अंदर भी नूब प्लेयर हूँ स्नाइपिंग के मामले में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेयर लूट रहा है, आराम से मज़े से लूट रहा है भाई। तो भाई लूट लिया तो अभी हमें दे दिए, ठीक है। तो मैंने इसको UMP9 से नॉकआउट कर दिया, देखते हैं इसने क्या क्या लूटा था यहाँ पर। और इसी के साथ हो चुके हैं दोस्तों हमारे पास 2 किल। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको 10 से 15 किल करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। और जितने भी बंदे खेल रहे हैं वो सारे स्क्वाड में होंगे। और मेरे पास वैसे सैमसंग एसेट है, लेकिन मैं सैमसंग एसेट यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार वो चीटिंग होगी सरासर, क्योंकि एक और बंदा आ गया यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि सैमसंग एसेट काफ़ी कम्फर्ट रहेगा और ये पबजी लाइट है, काफ़ी छोटी गेम है। और यार काफ़ी मेरे जो भाई हैं वो छोटे डिवाइस में इस गेम को खेल रहे हैं, इसीलिए मैंने इस गेम को खेलने के लिए भी छोटा डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और मैं खेल रहा हूँ माइक्रोमैक्स 106 जिसके अंदर 1 GB की रैम है और बस और कुछ नहीं है। और ये फ्रेम ड्रॉप भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये देखिए दोस्तों, UMP9 के साथ इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्प्रे हो रहा है। और दोस्तों, मैंने 4x से स्प्रे किया और एक और यहाँ पर प्लेयर। तो दोस्तों, ईजिली आप यहाँ पे 4x के साथ स्प्रे कर सकते हो UMP9। तो इस गन के लिए यार मैं बेस्ट गन अगर है तो वो M416 या फिर आप UMP9 के साथ जा सकते हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहिए तो आप UMP9 पे 4x लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों माइक्रोमैक्स 106 में 1 GB की रैम है और इतना अच्छा डिवाइस नहीं है और इसमें सिर्फ पबजी लाइट चल सकती है, बड़ी पबजी भी नहीं चलती। तो इसके हिसाब से इसमें UMP9 का मुझे एकदम 0 रिकॉइल लगा यहाँ पे। और मैंने इस गेम के अंदर एक और चीज़ मार्क की, अगर आप एनिमी को एक बुलेट हिट कर देते हो तो बाकी ऑटोमेटिक सारी बुलेट उसी एनिमी को हिट होना स्टार्ट हो जाती है, बस आप लोगों को फायर का बटन दबा के रखना है। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे थोड़े से फ्रेम ड्रॉप भी देखने के लिए मिले। और इसी के साथ दोस्तों हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे 4 किल। और आप देख सकते हो दोस्तों, एक बंदा यहाँ पे लूट रहा है और देखिए मैं इस पर स्प्रे करता हूँ और ये मैंने हेलमेट उड़ा दिया और शायद ये बंदा नॉकआउट हो चुका है। और देखते हैं इसके अंदर मतलब इस बंदे ने क्या क्या लूटा है यहाँ से। तो
ये रहा वो दोस्तों बंदा। और यहाँ पे एक चीज़ है, तकरीबन लेवल 1 की काफ़ी सारी वेस्ट और बैग ही पड़ी हुई है। लेवल 3 का तो मतलब इसमें शायद रियर है। और यहाँ पे भी मेरे को एक एक्सटर्नल मैग और कुछ UMP 9 की बुलेट वगैरह मिल गई है। तो चलिए हम UMP 9 की बुलेट यहाँ से उठा लेते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको अगर मैं पबजी लाइट के अंदर कोई चैलेंज, मतलब आप अगर मेरे को देते हो, कोई टास्क देते हो, तो मैं ज़रूर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कुछ भी मेरे को टास्क दे सकते हो और मैं अपने अगले वीडियो में उसी टास्क को कंप्लीट करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और आप मेरे को कमेंट में जो मेरा अगला टास्क है वो आप लोग बता सकते हो कि भाई आपको UMP 9 पूरे मैच में रखनी है या फिर विदाउट वेपन चिकन डिनर लेना है। कुछ भी आप मेरे को टास्क दे सकते हो और मैं उस टास्क को आप लोगों के लिए ज़रूर पूरा करने की कोशिश भी करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी के साथ मेरे पास हो चुके हैं 6 किल और सामने की साइड कुछ मेरे को बुलेट फायर की आवाज़ आ रही है। और तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बंदा, और मैं इस पर यहाँ पे स्प्रे करता हूँ, ये लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसको काफ़ी बुलेट हिट की और उसके बाद भी ये मतलब भाग रहा है। मतलब ये है क्या, ये है तो वैसे बोट एक्चुअली है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी सारी बुलेट मारी और इसने मेरे को देखिए कितना डैमेज दिया। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी पिंग या नेट का इशू है, या फिर मेरे को ये देखिए फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिले, या मेरा यहाँ पर नेट ही डिसकनेक्ट हो गया। तो मेरा प्लेयर ऑटोमेटिकली रेंडमली फायर कर रहा है। और यहाँ पे कुछ मेरे को मैसेज आया है गेम चैनल कुछ ऐसा कुछ करके, और उसको किसी सामने की तरफ एक बंदा लेटा हुआ है, उसने नॉकआउट कर दिया। एक्चुअली मैं प्रोन हो गया है, मतलब दिख नहीं रहा है, और मैं अगर दिख जाए तो उस पर भी स्प्रे कर दूंगा। और कोई बात नहीं, वो इस बंदे को मारने के लिए ज़रूर बाहर निकलेगा और मैं उस पर फिर से स्प्रे कर दूंगा। और ये देखिए दोस्तों वो बंदा आ चुका है, और ये लीजिए ये मैं इसको यहाँ पर किल कर देता हूँ, ये लीजिए। और मैंने उस पर यहाँ पे टैप 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 करके स्प्रे कर दिया। दोस्तों इसी के साथ हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे 7 किल, और पब्लिक अभी भी काफ़ी बाकी है। और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारे पास 41 अलाइव है। तो 41 में मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मुझे कम से कम 10 किल और मिल जाए, तो फिर हमारे पास 17 किल और पिछले होंगे। दोस्तों इसके साथ हो चुके हैं मेरे पास 8 किल, वो बूट को मारा वो भी काउंट हो चुका है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, बैंडेड वैंडेड जो भी है लगा लेते हैं, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मुझे चाहिए अब हेलमेट, तो मेरा हेलमेट कहाँ है पता ही नहीं, मैंने शायद उठाया नहीं या फिर किसी ने मेरा हेलमेट तोड़ दिया। तो इस कैरेट में शायद मुझे हेलमेट मिल जाए, देखते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे हेलमेट नहीं मिला, और मैं यहाँ पे शायद गन स्विच कर लेनी चाहिए मुझे, और ये लीजिए। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पे गन स्विच कर ली, और मेरे पास यहाँ पे है स्कारेल, मैंने स्कारेल के साथ UMP 9 को स्विच कर लिया। और अब भी सामने की ओर फाइट हो रही है, तो चलिए फाइट लेते हैं और देखते हैं हमें किल मिल पाते हैं कि नहीं, या फिर वो कोई अच्छा इनसेट या कोई प्रो प्लेयर खेल रहा है तो वो मेरे को ओबियसली नॉक कर ही देगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे भी मेरे को हेलमेट नहीं मिला, और मैंने शायद उसी कैरेट को ओपन किया अगेन। तो शायद सामने की ओर से दोस्तों बुलेट फायरिंग हो रही है, मतलब मेरे पे बुलेट फायर नहीं करे, कोई आमने सामने फाइट ले रहे हैं। और चलिए हम भी उनकी फाइट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अकेला अकेला मतलब छुप छुप के खेलना मतलब बोरिंग टाइप लगता है। और यहाँ पे तो भाई मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, और शायद थोड़े आगे हैं वो, शायद काफ़ी ज़बरदस्त देखे सकते हो आप मेरे को। मतलब मैप के अंदर भी से इंडिकेटर आ ही रहे हैं कि उस साइड से बुलेट, वो आमने सामने कोई प्लेयर लड़ रहे हैं। तो चलिए हम उनको किल करते हैं, चल के सब के सब को मारेंगे, क्योंकि वो हथियार उठाकर लड़ाई कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लेवल 2 का बैग मिला, और दोस्तों हेलमेट मेरे को यहाँ पे भी नहीं मिला। और दोस्तों मुझे पता है कि अगर मैंने हेलमेट नहीं ढूँढा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो मुझे हेलमेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि विदाउट हेलमेट हेड शॉट या फिर अगर कोई सिंपल भी फायर करेगा तो सारी, अगर हेड पे 2-3 बुलेट मार दी तो आपको पता ही है कि। तो दोस्तों मैंने उनको यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे मैं स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे स्प्रे नहीं हो पा रहा है, और वो बंदा लेट चुका है। तो देखते हैं मैं इसको मार सकते हैं कि नहीं, तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मारने के लिए। और ये बंदा काफ़ी दूर है, और बुलेट ड्रॉप भी काफ़ी है, और इस बंदे को एक भी बुलेट हिट नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये अभी भी भाई लेटे हुए हैं, और ये लीजिए एक मैंने बुलेट हिट कर दी उसको।
और ये दो बुलेट और दोस्तों वो दौड़ पड़ा है और ये शायद गाड़ी के पीछे, ये लो गाड़ी के पीछे छुप गया। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे को कहीं से साइड से एक बंदे की बुलेट फायर की आवाज़ आई और ये रहा। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने विदाउट स्कोप इस पर भी स्प्रे कर दिया और ये भी नॉकआउट हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ हुए हैं हमारे पास 9 किल। हाँ भाई मर जा जल्दी, किल काउंट हो जाएगा मेरा। हाँ तो दोस्तों 9 किल हो चुके हैं और हेलमेट यहाँ से अभी मेरे को नहीं मिला। ये इसके पास सिर्फ एक टोपी है, गर्मी में साला टोपी पहन के घूम रहा है। तो हाँ वो घरों के वहाँ से बुलेट फायर हो रही है और शायद वहाँ पे एक स्कोड है। तो चलिए हम इस स्कोड को वाइट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और ये लड़ रहे हैं बंदे, सामने मुझे दिख गए, देख सकते हो वहाँ पे वो किसी को मार रहे हैं, बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं और मार दिया उस बंदे को। और ये देखिए दो यहाँ पे टीम्स मेंबर हैं और मैं इन दोनों को यहाँ पे, एक को मैंने नॉकआउट कर दिया और दूसरा देखिए यहाँ पे भाग रहा है। शायद ये अभी इसको रिवाइज करेगा। आकर भाई इसको रिवाइज कर, तेरे टीममेट को रिवाइज नहीं करेगा। और ये दीजिए, और दोस्तों अब ये दौड़ पड़ा है और दौड़ के घर के पीछे चला गया। तो कोई बात नहीं, जब तक हम नॉक पड़ा है उसको यहाँ पे अपना किल कलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे डर है कि कहीं वो मेरे पे फायर ना कर दे। और पीछे की साइड यहाँ पे ड्रॉप भी, एयर ड्रॉप गिरा। इस गेम के अंदर एयर ड्रॉप काफ़ी गिरते हैं, आप कितना लूट सकोगे। और दोस्तों उसने मेरे पे यहाँ पे फायर किया और दूसरा फायर, तीसरा फायर, और दोस्तों लगता है वो अब मेरे को किल कर देगा। और वे मेरी तेज़ी से मेरे पे बुलेट फायर करते जा रहा है और मैं यहाँ पे इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ, लगता है बचना मुश्किल हूँ। तो और भाई पीछे आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। और फिर अभी जोन उस पर पुश करेगा और उसको ये पानी क्रॉस करना ही है। और जैसे ही बाहर आएगा मैं उसकी चटनी बना दूंगा। और उससे पहले मेरे को एक और बंदा वहाँ पे दिख रहा है सामने, तो चलिए पहले हम उसको मारते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पी ली और यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये बंदा, ये ले भाई, मैंने इसको भी नॉकआउट कर दिया। और दोस्तों इसमें बुलेट ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दूर जब एम करते हो तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, लेकिन हाँ रिकॉइल कुछ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो 4x से कितना दूर तक स्प्रे कर पा रहा हूँ। और मेरे पास मोबाइल भी इतना कोई अच्छा नहीं है, माइक्रोमैक्स 106 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और दोस्तों अब मेरे पास है 1K और 1K पे है यहाँ पे 2x, तो 2x से शायद वो बंदा नहीं मरेगा और शायद मर गया। दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं मेरे पास 10 किल और अभी भी 8 अलाइव हैं शायद। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी के रास्ते से दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन एक ही में रिकॉइल की वजह से मैंने सिर्फ उसको एक ही बुलेट हिट करने पाया। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आएगा तो पानी में तैर के ही ना, और जैसे ही आएगा मैं इसकी चटनी बना दूंगा, क्योंकि यही वो बंदा था जिसने मेरे को पीछे से काफ़ी सारा डैमेज दिया था। और ये ले भाई। और दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 11 किल और देखते हैं इसके पास क्या लूट है, क्योंकि आपको देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो दूसरी गन है स्कारल में यहाँ पे बुलेट नहीं है। और यहाँ पे सप्रेसर लगा लिया और मैं स्कारल को इस मशीन गन के साथ स्विच कर लेता हूँ यहाँ पे। और मेरे पास जोन तेज़ी से पुश कर रहा है और ये देखिए दोस्तों मेरे पे जोन आर पार निकल गया। और अब बस मुझे यहाँ से थोड़ा सा दौड़ना है स्पीड से, और ऑब्वियसली यार ये मैच हम ही जीत जाएंगे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि ईजिली मैं बंदों को मार रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ये गेम का ग्लिच है या मैंने नया स्टार्ट किया इसलिए, या फिर ये मतलब इस गेम में सब बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों बड़े भी इस गेम को खेल रहे हैं और उनके पास अच्छे अच्छे डिवाइस हैं। और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स 106 यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास सामने से बुलेट पड़ी, लेकिन मैं फिर भी ड्रॉप लूटूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे कोई मार है। तो दोस्तों इस बंदे ने देखिए मेरे को किल कर दिया, स्कारल पे 4x लगा के मेरे पे अच्छा खासा स्प्रे किया। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।